22 सितंबर को कांगड़ा की नगर परिषद मैदान में होने वाली युवा विरोधी माफिया राजस्व भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा युवा हुंकार रैली की खूबसूरती यह है कि यह रैली जनता के सहयोग से हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की युवा कार्यकर्ता गांव गांव जा रहे हैं और गांव गांव में युवाओं को आग्रह कर रहे हैं कि इस रैली में भाग लें और साथ ही वे प्रदेश की जनता का सहयोग भी ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा पिछले 6 दिनों से जन सहयोग प्राप्त कर रहा है और 6 दिन के अंदर इस प्रदेश की देव अतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदस्यों को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए प्रदेश की जनता ने सहयोग के रूप में दिए हैं और बाकी बचे 4 दिनों में 1 करोड़ रुपए प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदस्यों को सहयोग में देगी। ये शब्द भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विशाल चौहान ने धर्मशाला में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा बहुत उत्साहित है और वे प्रदेश की देव अतुल्य जनता का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार उनको ये दर्शाता है कि प्रदेश की जनता अब ये दिल से चाहती है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार को हिमाचल से जल्दी से जल्दी